हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल डिश बाय सारिका के चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालकोवा। पालकोवा इसे मैदा के बर्फी भी बोलते हैं और पालकोवा भी बोलते हैं। ओनली 3 इंग्रेडिएंट से ये बर्फी बन जाती है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए आज की बढ़िया रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों से लेकर बड़ों तक खाने वाली आपके मनपसंद की बर्फी, मैदा बर्फी और पालकोवा। ये देखिए कितना अच्छा बर्फी बनकर तैयार है। मुंह में डालने के बाद ये बर्फी जो है ऑटोमेटिकली पिघल जाएगी। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बढ़िया रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैदा बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप से भी थोड़ा कम घी हमें लेना है। 1 कप से थोड़ा कम हमें घी लेना है, 1/2 कप से ज़्यादा और 1 कप से कम यहाँ हमें घी लेना है। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे। उस पैन में हम डालेंगे घी। घी 1/2 कप से भी थोड़ा कम होना चाहिए। ये देखिए हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। अब हम इसे लो फ्लेम पर ही ऐसे हिलाते रहना है। हमें बाहर शॉप में जो मैदा बर्फी और पालकोवा मिलता है ना, सेम वही पालकोवा आज हम घर पर बनाएंगे। ये देखिए कलर जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ऐसे ही लो फ्लेम पर रोस्ट करते रहना है जब तक घी इस मैदा के आटे में मॉइस्चर ना हो जाए। तब तक इसे हिलाते रहना है, मीडियम फ्लेम पर ही हिलाते रहना है। कंटिन्यूसली ऐसे रोस्ट करना है। कंटिन्यूसली अगर आप रोस्ट करोगे ना तो लम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये देखिए धीरे धीरे घी जो है मैदा में मॉइस्चर हो रहा है। ये देखिए ऐसे खोआ तरह दिखना चाहिए। लो फ्लेम पर 20 मिनट्स आपको अच्छे से ऐसे हिलाते रहना है। मैदा बर्फी बनाने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। मतलब 20 मिनट्स आपको लो फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करना है। ये देखिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। ऐसा थोड़ा ब्राउन कलर आना चाहिए और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। स्मेल आने से ही आपको पता चलेगा कि हमारा मैदा जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से इसे थोड़ा स्प्रेड करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। थोड़ा सा गर्म रहता है ना तभी हम इसे चीनी डालेंगे। ये देखिए हमारा मैदा जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा गर्म है। इसमें हम चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके लेना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी ग्राइंड किया हुआ चीनी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 3/4 कप पाउडर चीनी लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे ही हाथ से हमें ऐसे गूंदना है। ऐसे हल्के हाथों से गूंदना है। ऐसे हल्के हाथों से गूंदने से क्या होता है, सॉफ्ट डो रेडी होता है। अब हम इसे बर्फी बनाने के लिए एक मैंने यहाँ लिया है केक का मोल्ड लिया है। राउंड शेप का है मेरे पास तो मैंने राउंड लिया है। आपके पास अगर स्क्वायर शेप का होगा तो आप स्क्वायर शेप का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इस राउंड शेप के मोल्ड में डालेंगे। अब हम इस मैदा को इसमें डालेंगे और ऐसे अच्छे से हाथों से दबाना है। जो पोर्शन है वो अच्छे से प्लेन होना चाहिए, ऐसे हाथों से दबाना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है। ये देखिए
मैं अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करती हूँ। आपको कौन सा साइज चाहिए ना, उस साइज में आप कट कर सकते हो। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मुंह में डालते ही पिघल जाएगी। इसमें से थोड़ा स्टफिंग जो था मैदा का, जो मैंने बाजू में रखा था, और उसमें मैं इस तरह के हार्ट शेप के बर्फी बनाऊंगी, हार्ट शेप के मैदा के बर्फी बनाऊंगी। देखिए इस तरह के मेरे पास कटर है हार्ट शेप का, मैं इसमें ये स्टफिंग भर दूंगी और ऐसे दबाऊंगी। इस तरह दबाने के बाद ये देखिए इसे निकालूंगी हल्के हाथों से। ये देखिए मेरा हार्ट शेप का मैदा बर्फी भी बनकर तैयार है। अगर आपके पास राउंड शेप के टिन के बजाय अगर आप एक प्लेट में भी ऐसे बर्फी बनाओगे ना, तो भी वो अच्छा निकलेगा। टिन के बजाय आप प्लेट ही लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें से जल्दी निकल जाएगा। ये देखिए हमारे मैदा बर्फी जो है बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही नए नए रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपीज के साथ।